कहते हैं कि सफा से मिला तो सफा हो गया मैं, सफा यानी सफा से मिला तो सफा हो गया मैं, खुद ही मिट गई खुद खुदा हो गया। कहते हैं अगर है शौक मिलने का, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लॉ लगाता जा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लॉ लगाता जा, जलाकर खुद रुमाई को, जलाकर खुद रुमाई को भस्म तन पर लगाता जा। मुसल्ला छोड़ यानी आप इबादत करते जा, बस नमाज को कहते हैं मुसल्ला छोड़, तस्बीह तोड़ इसको माला फेरते हैं, किताबें डाल पानी में, मुसल्ला छोड़ तस्बीह तोड़ किताबें डाल पानी में, पकड़ दस्तू फरिश्तों का गुलाम उनका दुकाता जा। कहे मंसूर मस्ताना, मंसूर बहुत बड़े सूफी थे जिन्होंने कहा था अनल हक अल्लाह मैं ही हूं, मैं अल्लाह हूं। कहे मंसूर मस्ताना हक मैंने दिल में पहचाना, यानी अल्लाह को मैंने दिल में पहचाना। कहे मंसूर मस्ताना हक मैंने दिल में पहचाना, वही मस्तों का मैं खाना उसी के बीच आता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लॉ लगाता जा, जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा। तेरा दीदार हो जाए जो होना है सो हो जाए मगर दीदार हो जाए। तेरी हर शय पे मालिक मैं यूं नजरें जमाता हूँ, तेरी हर शय पे मालिक मैं यूं नजरें जमाता हूँ, मैं जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए। हमें जलवा दिखाने में कब इनकार होता है, लगा दे जान की बाजी मेरा दीदार हो जाए। मेरा दीदार हो जाए, क्या कहना है, ये गुनफाए गुन में आपको सुनाऊंगा इसके बिगिन में भी। बिल्कुल बिल्कुल, क्या एक फिल्म आई थी जोधा पर, हाँ नहीं थोड़ा नहीं बहुत कुछ बच के रहना पड़ेगा, अगर एक दो प्रोग्राम में आप चले गए मेरे तो फिर मुझे लोग बुलाएंगे नहीं आप ही को बुलाएंगे। क्या बात है मानव भैया, क्या बात है मानव भैया, लीजिए ये चंद अशार सुना के आपने मेरा थोड़ा सा मूड चेंज कर दिया। अभी आपने मंसूर का किस्सा बताया, आज वो हमसे इस तरह बोले, बाजा मेरे खास पेश कर रहा हूं उनकी देखिए, आज वो हमसे, बल्कि मैं कहूंगा कि आज वो हमसे इस तरह बोले, माने भैया इशारा देखिए, आज वो हमसे इस तरह बोले जैसे कानों में कोई रस घोले, आज वो हमसे इस तरह बोले जैसे कानों में कोई रस घोले, और क्यों ना मंसूर को लगे सूली इश्क के राज उसने क्यों खोले।
कि दिल्ली में बहुत सी महफिलें मिलती हैं और मिलती रहेंगी आपकी दुआओं से, गुरु जी के आशीर्वाद से, लेकिन ऐसी महफिलें बहुत कम हैं कि जहां लोग गाना बजाना सुन नहीं रहे हैं बल्कि गाने बजाने को समझ भी रहे हैं। तो मैं आपकी तरफ से, मेरी पार्टी वाले आपके लिए ताली बजाते हैं। और बाप खुदा यकीन कर रहे हैं हमारे अनुराग भैया बैठे हैं कि ऐसी महफिल में, सच्ची बता रहा हूं आपको, झूठ नहीं बोल रहा। तो लीजिए, ये हालांकि फिल्मी कवाली है लेकिन नस्बत है इसमें, इसमें रूहानियत है। फिल्म जोधपुर की कवाली, ख्वाजा मेरे ख्वाजा। और हालांकि छोटी सी बात है, ये कवाली में ही गाने जा रहा था, शायद अनुराग भैया को पता होगा, लेकिन मैं जर्मनी चला गया ICCR की तरफ से, गवर्नमेंट का प्रोग्राम, तो रहमान साहब ने हमें फिर नेक्स्ट फिल्म में चांस दिया। आपको पता है रॉक स्टार है, तो लीजिए ख्वाजा मेरे ख्वाजा पेश कर रहा हूँ मैं। और एक बात और बता दूं, ख्वाजा साहब का जो आस्ताना है अजमेर में, राजस्थान में, ये आप लोगों की मुंह देखी बात नहीं है, ये सच्ची और हकीकत बात है कि वहां 80% नहीं, 90% नहीं, बल्कि 95% आज भी हमारे हिंदू भाई जाते हैं। आज भी 95% हिंदू भाई जाते हैं। उन्हीं से पेश कर रहा हूं मैं, ओ दिया तू है हिंदुस्तान।
मंसूर, ये अंदाज आपने फिल्म में ना देखा होगा ना सुना होगा, क्योंकि मेरा ताल्लुक हजरत निजामुद्दीन औलिया हजरत अमीर खुसरो के दरबार से है, और मेरे पीर मुर्शिद जिनका नाम फरूख मियां बाबा फरूख चिश्ती निजामी नसीदी, और आपके गुरु हम सबके गुरु तो मौजूद ही हैं गुरु जी। तो ये मेरी अपनी कोशिश है, माने भैया आपकी माता जी भी बैठी हैं और जितने बड़े बैठे सबकी तवज्जो चाहता हूँ। ये मैं आपको आपका बच्चा हूँ लेकिन कभी कभार बच्चों को भी सुननी चाहिए, ये मैसेज दे रहा हूँ मैं आपको। ऐ मेरे पीर का सदका हम सभी डली हर भला, 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 हम सभी डली हर गुरु जी के सदके में डली हर भला, हम सभी 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 डली हर मेरे पीर मुर्शिद पीर फर्रुख बाबा उनके सदके में भी, उनके खानदान के सदके में, ख्वाजा निजामुद्दीन औली हजरत अमीर खुसरो के सदके में डली हर बला, हम सभी डली हर बला, हम सभी डली हर बला, हम सभी डली हर बला, और इसमें शेर लगाता रहूं किसमें तली हर बला, हम सभी 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 तली हर बला। हाँ, ये अंदाज सुन लीजिए, मरहूम शायर राहत इंदौरी जिनका ध्यान हो गया, उनके चार मिसरे याद आ गए मुझे, और मैं कह रहा हूं क्या टली हर बला, हम सबकी टली हर बला, हम सबकी टली हर बला। राहत भाई कहते हैं क्या रुक रुक के लोग, दो साल से जो हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया के, उसको भी आप नजर में रखिए कि टली बला हम सबकी। राहत भाई कहते हैं कि रुक रुक के लोग, रुक रुक के लोग देख रहे हैं मेरी तरफ, और तुमने जरा सी बात को अखबार कर दिया। रुक रुक के लोग देख रहे हैं मेरी तरफ, तुमने जरा सी बात को अखबार कर दिया, और अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर दिया। दोनों मीनिंग पेश करूंगा, दोनों दोनों मौजूद यहाँ के भी वहां के भी। हाँ, एक शेर याद आ गया मुझे, माने भैया इंशाल्लाह आपके काम आएगा ये शेर, हालांकि हालांकि आपसे बेहतर शेर मैं नहीं कह सकता, मैं ये मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, लेकिन एक शेर कह रहा हूँ टली हर बला, हम सबकी शेर सुनिए। टली हर बला, हम सबकी टली हर बला, हम सबकी टली हर बला, ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा,
आदमी जब सजदे में जाता है ना तो उसका जिस्म किस तरह से हो जाता है, तो शायर कहता है कि ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा। चलिए अरे बाला नजर मिलाते ही, नजर मिलाते ही जामे शराब मिलता है। मालूम भैया ये बच्चा बहुत बड़ी बात कह रहा है। नजर मिलाते ही जामे शराब मिलता है, सवाल करने से पहले जवाब मिलता है, जो सिर्फ उसके कर्म पर निगाह रखते हैं, जो सिर्फ उसके कर्म पर निगाह रखते हैं, गुनाह करके भी उनको सवाब मिलता है। कली हर बला हम सब की कली हर बला हम सब की कली हर बला कली हर बला हम सब की कली हर बला। मेरे बेटे ने कहा के नजर मिलाते ही जामे शराब मिलता है, सवाल करने से पहले जवाब मिलता है, जो सिर्फ उसके कर्म पर निगाह रखते हैं गुनाह करके भी उनको सवाब मिलता है। एक साहब ने कहा कि साहब ये तो गलत शेर है, गुनाह करने के बाद तो उसको सजा मिली भी वहां। तो मेरे बड़े भाई फरीद भाई जिंदा थे, उन्होंने कहा कि आपने फिर पूरा शेर सुना ही नहीं, जो सिर्फ उसके कर्म पर निगाह रखेगा, ये गुरु जी को ले लीजिए, जो इनके कर्म पर निगाह रखेगा, पहली बात तो ये है कि उसको गुनाह करने की फुर्सत कम मिलेगी। सुनो जी, मैं एक शेर कह रहा हूँ गुरु जी के लिए, वो मुझे लगता है एक ही शेर 100 शेरों में भारी है। आप सबकी तरफ से कह रहा हूँ मैं, कटली हर बला हम सब की कली हर बला हम सब की कली हर बला हर सब की कली हर बला हम सब की कली हर। मेरे गुरुजी का जिसपे कर्म हो गया, मेरे गुरुजी का जिसपे कर्म हो गया, ये बात ध्यान में रखिए कि कली हर बला हम सब की, मिलके बोलिए कली हर बला हम सब की। अब से सुनिए कि मेरे गुरुजी का जिसपे कर्म हो गया, माने भैया गुरु जी भी मुस्कुरा रहे हैं, कि मेरे गुरु जी का जिसपे कर्म हो गया, जिसपे कर्म हो गया वो सप्तम शिवम सुंदरम हो गया। कली हर बला गुरु जी की शान में शेर पेश कर रहा हूँ। आंसुओं बच बच के निकलो मिट ना जाए ये कहे, आंसुओं बच बच के निकलो मिट ना जाए ये कहीं, आपकी पुतली के अंदर गुरु जी की तस्वीर है। यकीन करें ये जो मैं मिश्रा कह रहा हूँ ना तली बला हम सबकी, ये कोई छोटा मोटा मिश्रा नहीं है, छोटी मोटी लहर नहीं है। अभी कुछ पता नहीं क्या हो जाए दुनिया में, लेकिन हम लोग ऐसे लोगों को मानते हैं, इसलिए तली हर बला हम सबकी, 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 तली हर बला। हाँ साहब ये अंदाज पेश कर रहा हूँ मैं, हाँ ये भी जरूरी है, क्या बात है।
जो अभी हमारे बुजुर्गवार ने किया है ये भी जरूरी है। हाँ, क्योंकि जो कुछ होता है उसकी मर्जी से होता है। माने भैया माफ फरमाइए, मैं कल आगरा में था, आज दिल्ली में हूँ, परसों फिर आगरा में हूँ, अतरसों फिर बेंगलोर में हूँ, फिर लखनऊ में हूँ, और फिर आगरा में हूँ, और फिर दिल्ली में हूँ। ये सब उसकी मर्जी से होता है। क्या बात है। तो अभी ने हमारे बुजुर्गों ने कुछ दिया है, आप जो पी रहे हैं ना, इसमें भी उसकी मर्जी है। क्योंकि कल ये हर बला परवाने तड़पते हैं, और जैसे बगैर साकी पैमाने तड़पते हैं, गुल हो गई है शम्मा, परवाने तड़पते हैं, और जैसे बगैर साकी पैमाने तड़पते हैं, कि है कोई दिल को थामे, है कोई दिल को थामे, और कोई सिसकता है, गुरुजी पर्दे से निकल आओ, दीवाने तड़पते हैं। चली हर एक शेर हमारे मानव भैया कह रहे हैं कि घेर लेने को मुझे जब भी बलाएं आ गई, आप उनकी मम्मी हैं, तो वो कह रहे हैं मानव भैया आप कह रहे हैं कि घेर लेने को मुझे जब भी बलाएं आ गई, घेर लेने को मुझे जब भी बलाएं आ गई, तो ढाल बनकर सामने माँ की दुआएं आ गई। हर बला हर बला हर बला ये कव्वाल का एक अंदाज होता है। हालांकि हम तो हिंदुस्तानी हैं, हमारे लिए जो मंदिर है वही मस्जिद है, और जो मस्जिद है वही मंदिर है। लेकिन शायर का तखयल, शायर का अंदाज होता है। अब सुन लीजिए आप, कि प्यार का एक नया साल भी आ रहा है, अभी दिसंबर की 31 दिसंबर को, कि टली बला हम सबकी, टली हर बला हम सबकी, सबकी तवज्जो चाहता हूं कि प्यार का एक नया कानून बनाया जाए। प्यार का एक नया कानून बनाया जाए, और इस तरह दुनिया से नफरत को मिटाया जाए, और दुश्मनों को भी कलेजे से लगाया जाए, ये मंदिरों मस्जिद के झगड़े को मिटाया जाए, और दोनों के बीच में मेहाना बनाया जाए। कली हर बला हम सबकी, कली हर बला हम सबकी, कली हर बला हम सबकी, हम सब की कली हर बला, हम सब की कली हर बला, हम सब की कली हर बला, हम सब की कली हर बला। माना भैया, जो मैंने शेर सुनाया था आपको, कि जुनू परस्त हूँ दीवान की से रिश्ता है, वो पूरा शेर अब पेश कर रहा हूँ मैं, कि जुनू परस्त हूँ दीवान की से रिश्ता है, और मेरा खुदी से नहीं बेखुदी से रिश्ता है। गुरुजी यकीन ना हो तो मेरे दिल को चीर कर देखो, ये आप कह रहे हैं गुरुजी से कि यकीन ना हो तो मेरे दिल को चीर कर देखो, तुम्हारे दर से मेरी जिंदगी का रिश्ता है। दामन है धावा
ख्वाजा मेरे ख्वाजा 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 मेरे ख्वाजा 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 मेरे ख्वाजा 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 मेरे ख्वाजा ख्वाजा एक शेर ख्वाजा साहब के लिए आप सबकी तरफ से कह रहा हूँ और हकीकत है आप लोग मेरी तरफ देखते रहिए मैं गाता रहूंगा और अपने काम से काम रखेंगे ख्वाजा 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 मेरे ख्वाजा 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 मेरे ख्वाजा ख्वाजा मेरे ख्वाजा ख्वाजा आप लोगों की तरफ से शेर कह रहा हूँ ख्वाजा साहब के लिए कि संसार की सुंदर नगरी में वलियर के राजा रहते हैं ख्वाजा मेरे ख्वाजा 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 मेरे ख्वाजा ख्वाजा संसार की सुंदर नगरी में वलियर के राजा रहते हैं और उस देश की सच धज क्या कहिए जिस देश में ख्वाजा रहते हैं ख्वाजा मेरे ख्वाजा 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 मेरे ख्वाजा ख्वाजा